ये स्क्लेरोडर्मा या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस डिजीज़ है। स्क्लेरोडर्मा तब कहते हैं जब केवल स्किन में इस तरह के अपीयरेंस हो, और जब ये स्किन टाइट होने वाला अपीयरेंस पूरे बॉडी में जाता है, लंग्स में, अंदर अंदर भी, तो फिर हम इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव सिस्टमिक स्क्लेरोसिस या PSS। ये दरअसल जो स्किन में प्रोटीन्स होते हैं कोलेजन, उसके बनने से संबंधित एबनॉर्मेलिटी होती है। बहुत सारा कोलेजन बन जाता है, स्किन की परत सूख जाती है, उंगलियां एकदम टाइट हो जाती हैं, स्किन एकदम हार्ड हो जाती है। इतनी टाइट हो जाती हैं कि उंगलियों के पोर तक खून पहुंचना रुक जाता है, तो उंगलियों के पास जो है छोटे छोटे छाले बन जाते हैं। ठंड के दिनों में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उंगलियां नीली पड़ने लगती हैं और बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, और हाथों को सेकने पर और भी ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। इसे रिनॉइड फिनोमेना कहते हैं। स्किन में कभी कभी ये लिमिटेड जब रहती है तो इसे स्क्लेरोडर्मा कहते हैं। जैसे कि इस केस में आपको दिख रहा है कि स्किन में कहीं कहीं पैचेस बन गए हैं, डार्क स्किन हो गई है, स्किन सूखी हुई लग रही है, टाइट हो गई है, और शाइनी स्किन दिख रही है जलने जैसे। और कभी कभी ये ब्लड में रहती है एबनॉर्मलिटी, तो शरीर के सारे अंदरूनी अंग प्रभावित होते हैं। ये लंबे समय तक लगातार प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव। और बॉडी के कई सिस्टम्स प्रभावित होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं सिस्टेमिक। और क्योंकि फाइबर्स बनते हैं कोलेजन फाइबर्स, स्किन सूख जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं स्क्लेरोसिस, प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हाथ की स्किन एकदम शाइनी दिख रही है, जैसे जली हुई स्किन हो, क्योंकि स्किन की परत सूखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर इसे हम टच करेंगे तो पूरी स्किन हार्ड लगने लगेगी। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं, तो ठंड में जो प्रॉब्लम हो रही होती है, हाथ उंगलियों का नीला पड़ जाना या दर्द होना, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे कि स्किन धीरे धीरे वापस सॉफ्ट होना शुरू होगी, और ये जो अपीयरेंस है इसका, जो निशान बन रहे हैं स्किन में, चकत्ते बन रहे हैं, डार्क स्किन बन रही है, वो सब मिटना शुरू होगा। ये कभी कभी एक ही दो जगह होता है, कभी कभी पूरा पैर से लेकर हाथ तक सभी जगह पर ये प्रॉब्लम रहती है। जब एक ही निशान हो तो इसे हम मॉर्फिया भी कहते हैं, जब ज़्यादा हो तो हम उसे बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा, और जब पूरे बदन में हो, ब्लड से लेकर के जॉइंट से लेकर के लंग्स तक और स्किन में सब जगह, तब हम इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। हम इसके लिए कुछ यूनिक दवाइयाँ यूज़ करते हैं जो कि पेरिफेरल ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं ताकि प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो।